हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो T1 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, और ये होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन पर आपको इसे सेलेक्ट करना है। अब नोटिफिकेशन के इस पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये होम स्क्रीन ऐप आइकन बैच। होम स्क्रीन ऐप आइकन बैच पे आपको इसे सेलेक्ट करना है। अब आपका जो है ना ये होम स्क्रीन ऐप आइकन बैच का ये पेज आपका छोटा सा ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपका जो है ना नीचे की साइड में डू नॉट डिस्प्ले पे आपका जो है ना सेलेक्टेड होगा, टिक मार्क लगा होगा, यानी कि आपकी ये सेटिंग पहले से डिसेबल होगी, ठीक है। इस सेटिंग को इनेबल करने के लिए आपको ऊपर की साइड में जो दो ऑप्शन दे रखे हैं, डॉट और नंबर, डॉट या नंबर पे आप इन दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन पे आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो आपकी जो है ना ये होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज सेटिंग आपकी इनेबल हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अब ये सेटिंग जो है ना इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके मोबाइल फ़ोन पे, ठीक है, अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है ना, तो आपके मोबाइल फ़ोन में ये जो आपकी होम स्क्रीन पे जो ऐप आइकन होते हैं ना, ऐप आइकन के ऊपर आपको जो है ना एक डॉट दिखाई देगा, ठीक है। तो एक डॉट रेड कलर का एक छोटा सा डॉट दिखाई देगा, ठीक है। जिस किसी एप्लीकेशन का कोई भी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आएगा ना, उस एप्लीकेशन के ऊपर आपको एक डॉट दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना इस तरीके से काम करेगी इनेबल होने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन में। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे आप इस होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज इस सेटिंग को आप जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन में शॉर्टकट तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन में है ना सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में टाइप करना है होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज, ठीक है। जो सेटिंग का नेम है ना वो आपको पूरा यहाँ पर टाइप कर देना है इस तरीके से। तो आपको नीचे की साइड में ये ऑप्शन शो हो जाएगा होम स्क्रीन ऐप आइकन बैच का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में आपको लेकर आ जाता है और इस सेटिंग को हाईलाइट करता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।